बड़ी खबर चुरू से, यहां कांग्रेस की संकल्प रैली आज होने जा रही है। शेखावटी में चुनावी शंखनाद आज कांग्रेस करेगी। चित्तौड़गढ़ के बाद कांग्रेस की ये दूसरी संकल्प रैली है। पुलिस लाइन ग्राउंड पर कांग्रेस की संकल्प रैली आयोजित की जा रही है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ सचिन पायलट इसमें मौजूद होंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री सीपी जोशी भी इसमें मौजूद होंगे। शेखावटी के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। तो चुरू में आज कांग्रेस की संकल्प रैली है। शेखावटी में चुनावी शंखनाद है। चित्तौड़गढ़ के बाद कांग्रेस की यह दूसरी संकल्प रैली है। पुलिस लाइन ग्राउंड में कांग्रेस की यह संकल्प रैली होगी। कांग्रेस आज से चुरू में संकल्प रैली के जरिए शेखावाटी में चुनावी शंखनाद करने जा रही है। चित्तौड़गढ़ के बाद चुरू में कांग्रेस की ये दूसरी संकल्प रैली है। चुरू के पुलिस लाइन ग्राउंड पर कांग्रेस की संकल्प रैली में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मंत्री सीपी जोशी समेत शेखावाटी के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल होंगे। संकल्प रैली के जरिए कांग्रेस इलाकेवार चुनावी माहौल बनाने में जुटी हुई है। सभी वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पर बैठाकर सामूहिक नेतृत्व का मैसेज भी दिया जा रहा है। चुरू में संकल्प रैली के जरिए कांग्रेस पूरे शेखावाटी में चुनावी मैसेज देने का प्रयास कर रही है। शेखावाटी के चुरू, सीकर और झुंझुनू में 21 सीट है। इसमें से कांग्रेस के पास अभी 5 सीटें हैं, जबकि 11 सीटें भाजपा, 2 सीटें बसपा और 3 पर निर्दलीय काबिज हैं। चुरू जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से सरदार शहर की सीट ही कांग्रेस के पास है। बाकी 5 सीटों में से 4 सीटें भाजपा और सादुलपुर की सीट बसपा के पास है। शेखावाटी में कांग्रेस का अच्छा दबदबा रहता आया है, लेकिन पिछले चुनावों में कांग्रेस को वहां भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस अब शेखावाटी पर अपना फोकस बढ़ा रही है। चुरू में संकल्प रैली करने का फैसला भी इसी राजनीतिक गणित को ध्यान में रखकर किया गया है। शेखावाटी में अभी मुख्यमंत्री की राजस्थान गौरव यात्रा भी नहीं हुई है, इसलिए सीएम की यात्रा से पहले ही कांग्रेस संकल्प रैली करके चुनावी माहौल गर्मा रही है। चुरू की संकल्प रैली के बाद शेखावाटी का सियासी पारा जरूर चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत पारेख हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या तैयारियां हैं? आज दूसरी संकल्प रैली है और आज भी कहा जा रहा है कि दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। देखिए, आज का 11 बजे का समय दिया गया है, लेकिन आप ये मानिए कि 12-12.5 बजे के बाद ही कार्यक्रम शुरू हो पाएगा। चित्तौड़गढ़ में जो कार्यकर्ताओं की भीड़ आई थी, उससे उत्साहित हैं कांग्रेसी नेता और आज भी उम्मीद करें कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। चुरू राजेंद्र राठौर जो कि पंचायती राज मंत्री हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है और कद्दावर नेता का गढ़ है। उसकी मान में जाकर कार्यक्रम करना और वहाँ कामयाब आयोजन करना ये चुनौती रहेगी। लेकिन ये बीकानेर संभाग का भी कार्यक्रम है, लिहाजा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के कार्यकर्ता जिस रैली में पहुंचने जा रहे हैं। इसके अलावा झुंझुनू और सीकर की विधानसभा सीटों पर भी असर पड़ेगा। तो कुल मिला के 5 जिले ऐसे रहेंगे जिस पर कांग्रेस चाहती है कि आज के इस संकल्प रैली का जो है वो प्रभाव दिखे। और खासतौर पर विधानसभा चुनाव के दौरान जो पिछली बार कांग्रेस ने अपने कई ऐसे गढ़ थे जो खो दिए थे, वो वापस उनमें अपने प्रत्याशियों को जीत दिला सके। शुक्रिया हम अपडेट के लिए। तो जो गढ़ खो दिया था कांग्रेस ने, जो जमीन खिसक गई थी, उसे वापस लेकर आना एक बड़ी चुनौती है। तो आज 12-12.5 बजे के करीब ये रैली शुरू होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के बड़े कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा दिखाई देगा।